यूं तो भारत में बहुत से राजा हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपनी कुछ खास बातों के लिए मशहूर थे। ऐसे ही एक किंग थे, राजा भूपेंद्र सिंह। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए प्रसिद्ध राजा भूपेंद्र सिंह की जिंदगी किसी आम रईस से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी जिंदगी इतनी आलीशान थी कि उनके किस्से आज भी मशहूर है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या था राजा भूपेंद्र सिंह में। 1891 में पंजाब के पटियाला में एक शाही घराने में जन्मे थे राजा भूपेंद्र सिंह। छोटी उम्र में ही उनके हाथ आ गया था सिंहासन। सन 1900 में उन्होंने पटियाला के राजा की कमान संभाली। किसी भी आम भारतीय की तरह भूपेंद्र सिंह भी क्रिकेट के बड़े फैन थे। कहते हैं कि टेस्ट मैच उन्हें खूब लुभाते थे। उन्हें सिर्फ क्रिकेट देखने का ही नहीं बल्कि खेलने का भी काफी शौक था। उस समय की कई लीग में वह अपने दाहिने हाथ की बल्लेबाजी का हुनर दिखा चुके थे। कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह क्रिकेट के इतने दीवाने थे कि भारत में उन्होंने ही इसे बढ़ावा दिया। 1911 में वह अपनी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के अनऑफिशियल दौरे पर ले गए। थोड़े दिन वहां उन्होंने जमकर क्रिकेट खेला और इंग्लैंड के कोच से काफी खुश भी हुए। वापसी के समय वह हिंदुस्तान में क्रिकेट सिखाने के लिए कुछ अंग्रेज कोच को भी अपने साथ ले आए। क्रिकेट इंडिया में बढ़े इसलिए उन्होंने मुंबई और अमृतसर में दो स्टेडियम तक बनवा दिए। माना जाता है कि भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। इतना ही नहीं, राजकुमार रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की भी शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि भारत में क्रिकेट की नींव राजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा ही रखी गई थी। कहते हैं कि राजा भूपेंद्र सिंह रॉल्स रॉयस को इतना पसंद करते थे कि उनके पास बस उसी का कलेक्शन था। उनका कलेक्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि करीब 44 रॉल्स रॉयस का था। जब उनका कारवा निकलता था तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। अंग्रेजी अफसर भी उनकी शोहरत देख के पानी पानी हो जाते थे। माना जाता है कि 1930 में पूरे भारत में कोई नहीं था भूपेंद्र सिंह के अलावा जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में रोल्स रॉयस हो। भूपेंद्र सिंह को किसी से मिलने जाना हो या शिकार पर जाना हो, वह दोनों के लिए ही रोल्स रॉयस का इस्तेमाल करते थे। भूपेंद्र सिंह की रहीसी यहीं खत्म नहीं होती। धारणाओं के हिसाब से माना जाए तो वह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास अपना खुद का प्लेन था। जिस समय लोगों के लिए साइकिल भी एक बहुत महंगी चीज होती थी, उस समय भूपेंद्र सिंह ने खुद का प्लेन खरीदा था। कहते हैं कि इसी कड़ी में ही उन्होंने पटियाला एविएशन क्लब भी खोला था ताकि वह अपना प्लेन उड़ा सके। सिर्फ महंगी गाड़ियां ही नहीं, भूपेंद्र सिंह को महंगे जेवरात का भी शौक था। अपने इसी शौक के लिए उन्होंने एक ऐसा हार बनवाया था जिसके बारे में सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। कहते हैं कि 1926 में एक सुनार की दुकान पर पटियाला के राजा की तरफ से एक स्पेशल ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में लिखा गया था कि उन्हें एक बक्सा भर के कीमती हीरे और रूबी आदि चाहिए। ऑर्डर देखते ही दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बार में किसी ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। भूपेंद्र सिंह ने बाद में उन्हें एक ऐसा हार बनाने के लिए कहा जो उनकी रहीसियत को दर्शा सके। चीजें इतनी सारी थी कि उसका हार बनाने में कारीगरों को 3 साल का वक्त लग गया। आखिर में 1928 में जाके हार पूरा हो पाया और भूपेंद्र सिंह के पास पहुंचा। माना जाता है कि उसमें 2930 हीरो का इस्तेमाल हुआ था। हार की चेन को खास प्लेटिनम से बनाया गया था। 18 कैरेट के 2 रूबी का भी हार में प्रयोग हुआ। यह हार इतना बड़ा और आकर्षक था कि उसे देखने के बाद उससे नजर नहीं हटती थी। भारत में राजा प्रथा खत्म होने के बाद इस हार को पटियाला के शाही खजाने का हिस्सा बना दिया गया। 1948 में यह एक दिन वहां से गायब हो गया। कई सालों तक इसकी खोज होती रही लेकिन वह हार कहां गया किसी को खबर नहीं लगी। बहुत सालों बाद 1998 में भूपेंद्र सिंह का मशहूर हार लंदन की एक दुकान पर मिला। हार तो मिल गया था लेकिन उसकी असली पहचान उसके हीरे उसमें से गायब थे। बस वह एक खाली खांचा रह गया था।
राजा भूपेंद्र सिंह अपनी जिंदगी का हर एक काम शानदार तरीके से करते थे, इसलिए उनकी हर एक चीज खास हुआ करती थी। कहते हैं कि उनके पास एक 1400 आइटम वाला डिनर सेट था, जिसे देख ब्रिटिश भी हैरान हो गए थे। वह डिनर सेट की खास बात यह थी कि वह पूरी तरह से चांदी से बनाया गया था। उस चमकदार डिनर सेट की कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। माना जाता है कि डिनर सेट को खास इंग्लैंड के भूतपूर्व राजा किंग एडवर्ड्स 8 के लिए बनाया गया था। 1922 में किंग एडवर्ड भारत के दौरे पर आए थे। भूपेंद्र सिंह उन्हें दिखाना चाहते थे कि वह किस तरह से अपने मेहमानों की खातिर करते हैं। यही कारण माना जाता है कि उन्होंने यह शाही डिनर सेट बनवाया। आज सालों बाद भी इस डिनर सेट की इतनी मांग है कि साल 2013 में एक रूसी कलेक्टर ने इसे 2 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदा। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।